चीन के द्वारा आज गोलीबारी के चलते आज भारत के 3 जवान शहीद हो गए, जिसके चलते आज पूरा देश चीन के विरोध में उतर चुका है। इंदौर में खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के बाहर आज विरोध के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा चीन के झंडे जलाए गए और नारेबाजी की गई। व्यापारी लोगों से भी अपील की गई है कि चाइना से बने सभी सामानों का बहिष्कार करें। इसके चलते SW24 न्यूज़ के बात करते हुए विवेक खंडेलवाल, कांग्रेस प्रदेश सचिव, ने बताया कि भारत देश युवाओं का देश है, चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। अनुमति अभी देखी जा रही है इनकी, वो भारत देश के समर्थन में चीन का विरोध कर रहे हैं तो चीन का झंडा जला रहे थे। 4-5 लोग एकत्रित हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, सभी को हिदायत दी जा रही है। हमें सूचना मिली थी तो हम फील्ड में थे तो हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे। सब इंस्पेक्टर राजकुमार है। देखिए आज चीन ने भारत पे हमला करा, हमारे 3 जवान शहीद हो गए, उसी के विरोध में आज हमने चीन का झंडा जलाया। और ये झंडा जलाने का कारण यही था कि जिस तरीके से चीन नापाक हरकत करते हुए हमारे सैनिकों पे माराकुटी कर रहा, सैनिकों के शहीद कर दिया है, उसी के विरोध में आज झंडा है। और चीन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर देना भारत जानता है। भारत आज 2020 का भारत है, भारत आज युवाओं का भारत है। आज भारत वो करेक्ट के दिखा सकता है चीन को कि उसके मोबाइल से साफ हो सकते हैं। मैं इंदौर शहर के सारे व्यापारियों से निवेदन करूंगा, किसी भी हालत में वो इंदौर के अंदर चीन का सामान को ना बेचने, चीन के सामान को ना बेचें, क्योंकि देश हित की बात आती है तो व्यापार से बड़ा पहले देश होता है। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।